नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के औरैया जिले से। खबर का असर, पूर्व ग्राम प्रधान ने छिड़कवाया सैनिटाइजर। जी हां, यूपी के औरैया जनपद के तहसील मुख्यालय विधुना के अंतर्गत ग्राम मानिक कोठी के पूर्व प्रधान सुशील कुमार उर्फ वकील प्रधान ने एक सामंजस्य की अच्छी पहल की है, जिससे कि समस्त ग्रामवासी वकील प्रधान की बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि विगत पिछले दिन वर्तमान प्रधान एवं ग्रामीण में दवाई छिड़काव को लेकर विवाद हुआ था, जिसको देखते हुए पूर्व प्रधान ने आज ग्राम में अपनी निधि से दवा का छिड़काव कराया है एवं ग्रामवासियों से अपील की है कि इस समय देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, अतः आप सभी लोग धैर्य एवं भाईचारे का परिचय दें एवं सभी लोग एक दूसरे की मदद करें। देखें कुदरकोट से संजीव नारायण की ये रिपोर्ट। न्यूज इंडिया से पत्रकार संजीव नारायण शुक्ला एरिया इंचार्ज कुदरकोट। आज मैं औरैया जिला के थाना व तहसील मुख्यालय के अंतर्गत ग्राम मानिकोठी में हूँ, जहाँ पर अभी दो दिन पहले यहाँ पर जनता और प्रधान जी के प्रति कहा सुनी हो गई थी। आज मैं उसी ग्राम में, देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये नालियों में दवा का किंचाव किया जा रहा है, जो कि किंचाव करवाने वाले हमारे मुख्य रूप से जो पूर्व प्रधान हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि हम इस तरह का झंझट नहीं होने देंगे और अपने पूरे ग्राम में एवं पूरी ग्राम सभा में जो भी ग्राम आते हैं सभी गाँव में नालियों में दवाओं का किंचाव कराएंगे। आपसे पूर्व प्रधान से बात करवाएं, आपका क्या नाम है? सुशील कुमार। सुशील कुमार, तो ये आपने संकल्प क्यों लिया कि पूरे ग्राम में दवा छाई जाए? जिस तरह कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है, उस तरह से ये फैसला लेना पड़ा कि अगर गांव में सफाई और दवाई छिड़केगी तो गांव में बीमारी का डर कम रहेगा। बहुत ही अच्छी बात, वही प्रतिनिधि सच्चा है जनता का, जो जनता का ख्याल करे। आज पूरे भारत में देखते हैं आप, ये कोरोना वायरस का कहर चलता है और हमारे पास देखिए मिनी वैन की जो स्थापना की गई है, इनसे भी बात कराते हैं। ये घर घर जो है पैसे पहुंचाने का काम करते हैं। इस बीच आप देखें सभी को सहायता मिल रही है और हमारे राशन डीलर भैया भी हैं। आप बताएं आपको क्या क्या निर्देश दिए गए? जैसा शासन द्वारा आदेश आया है कि लाल कार्ड और अंत्योदय जो भी है फ्री, अब तक कभी आया नहीं, आएगा वो भी वितरण करेंगे, जो आदेश आएगा उसी आधार से वितरण शुरू कर देंगे। अगर किसी के पास में राशन कार्ड नहीं है तो शासन का ऐसा आदेश है कि आप उसके आधार कार्ड देखकर उसे भी राशन देंगे, क्योंकि ऐसा आदेश नहीं है, वायरस चल रहा है, सरकार का आदेश है। और देखिए आप, ये सब दवा छिड़काव किया जा रहा है पूरे ग्राम में, ऐसे ही देशभक्त होना चाहिए। जैसे कि आज पूर्व प्रधान के द्वारा यहाँ पर दवा का छिड़काव किया गया, सभी ग्रामीण में खुशी की लहर। इसी के साथ फास्ट न्यूज इंडिया से पत्रकार संजीव नारायण शुक्ला एरिया इंचार्ज कुदरकोट। अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से आ रही है, जहां पुलिस संघ समाज सेवियों ने बांटे हैं भोजन। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के लंका थाना क्षेत्र से बीएचयू कैंपस के अंदर केंद्रीय विद्यालय के सामने नव निर्मित बनाए जा रहे प्रोफेसर आवास में काम कर रहे लगभग 200 मजदूर जो लॉकडाउन के वजह से फंसे हुए थे, उनको आज दूसरे दिन एसआई रवि कुमार के नेतृत्व में समाज सेवी अमन यादव और कुंवर विक्रम सिंह व उनके सहयोगी के माध्यम से चावल व सब्जी का वितरण किया गया। अमन यादव ने बताया कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से आसपास की सभी जगहों पर मेरे और मेरे मित्रों के द्वारा जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाया जा रहा है। देखें लंका से प्रहलाद पांडे की रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से फंसे लंका अंतर्गत ये बीएचयू में केंद्रीय विद्यालय के सामने एक प्रोफेसर आवास बन रहा है, जहां पर लगभग 150 से 200 संख्या में मजदूर यहां पर फंसे हुए थे, जिनको कम से कम 3 से 4 दिन से खाना मुहैया नहीं हो पा रहा था। इसकी सूचना पर लंका क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर एसआई रवि कुमार यादव के नेतृत्व में यहाँ के जो समाज सेवी हैं आपके अमन कुमार यादव और कुंवर विक्रम सिंह के द्वारा यहाँ पर मजदूरों को चावल और सब्जी की वितरण किया जा रहा है। आइए इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या है मामला और कहाँ कहाँ ये भोजन के वितरण करा रहे हैं। सर जरा बताएंगे कि ये जो वितरण हो रहा है ये कितने दिन से ये फंसे हुए थे और कहाँ कहाँ भोजन वितरण करा रहे हैं?
लॉकडाउन होने की वजह से ये मजदूर जो हैं यहाँ जो पहले से कार्यरत थे और काफ़ी दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं और अपने क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं और ये हमारे क्षेत्र के और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी इस तरह के मजदूर रुके हुए हैं हर जगह शासन द्वारा और समाज सेवियों द्वारा भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है जिनको समय समय पर सुबह शाम भोजन पहुँचाया जा रहा है। और अभी बात करते हैं कि जिनके माध्यम से ये हैं समाज सेवी अमन यादव जी जो कई दिनों से लगभग जितने भी लॉकडाउन में लोग फंसे हुए हैं उनको पूरा राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और खाने का वितरण कर रहे हैं। अमन जी जरा बताइए खाली ले गया खाली लॉकडाउन की वजह से जितने मजदूर फंसे हुए हैं आप कई विभिन्न क्षेत्रों में आप इसका वितरण करा रहे हैं जरा बताएंगे कब से कर रहे हैं। आज यह पाँचवा दिन है और हम लोग का प्रयास जारी रहेगा पूरा 14 अप्रैल तक। जब तक ये लॉकडाउन है तब तक हम लोग का प्रयास यही जारी रहेगा कि हमारे लंका क्षेत्र में जो भी मजदूर फंसे हैं चाहे बेचू सुंदर बगिया में चाहे ट्रामा सेंटर चाहे सामने घाट जो रोड पर रहते हैं कोई बैठे हम लोग का यही प्रयास है और हमारे सभी मित्रों का प्रयास है कि कम से कम 14 अप्रैल तक भोजन की कोई बनारस की नगरी में कमी कोई भूखा न सोए। हम लोग का प्रयास है कि पूरा एकदम मजदूरों को जो फंसे उनको भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन चलता रहे हम लोग का यह सिलसिला चलता रहेगा 14 अप्रैल तक। अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो हम लोग का प्रयास के आगे भी जारी रहेगा आगे भी हम लोग करेंगे। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है जहां इंसुलेट सेंटर से व्यक्ति फरार हुए हैं। जी हां बहुत बड़ी खबर आ रही है इंसुलेंस सेंटर से कुछ व्यक्ति फरार हुए हैं। यूपी के प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा के गांव श्रीनाथपुर के आदर्श प्राथमिक विद्यालय में जो अन्य राज्यों से एवं विदेशों से आए थे उन्हें इंसुलेट करने हेतु प्राइमरी विद्यालय में रखा गया था जिनकी संख्या लगभग 20 से 25 थी। प्रधान संजीव कुमार सिंह और बिक्की द्वारा इंसुलेट किया गया था। कुछ दिल्ली से आए थे कुछ लोग उज्जैन से आए हुए थे। प्रधान संजीव कुमार सिंह द्वारा उनके खाने पीने की व्यवस्था एवं नहाने के लिए डिटॉल साबुन चाय में काढ़ा बनवाकर दिया गया था। मच्छरों से बचने के लिए कोयला की व्यवस्था भी की गई थी और सैनिटाइजर भी किया गया था। उनके रहने के लिए रात में सोने के लिए बिस्तर भी दिए गए थे। रात में उन लोगों में से एक व्यक्ति बहुत खांस रहा था उसी को देखकर सारे लोग भाग गए। प्रधान ने सरकार से थर्मल स्कैनिंग का मांग किया है। प्रधान द्वारा बताया गया कि सरकारी हर सुविधा से वंचित हूं। प्रधान ने कहा कि अगर थर्मल स्कैनिंग हमें उपलब्ध कराया जाए तो हम अपना पैसा लगाकर खरीद सकते हैं और जो लोग आएंगे उन्हें चेक किया जाएगा। देखें आसपुर देवसरा से यूसुफ खान की ये रिपोर्ट। प्रतापगढ़ थाना आसपुर देवसरा अंतर्गत हम ऐसी जगह आज आए हुए हैं आपको यहाँ पे साफ सफाई देखने में अच्छा लग रहा है बड़ी खूबसूरत जगह आपको हम लेके आए हैं और इस विद्यालय पे कुछ लोगों के यहाँ रोका गया था लगभग 10-15 लोगों को रोक के रखे थे। यहाँ के प्रधान काफ़ी तेज तर्रार प्रधान हैं एक्टिव प्रधान हैं। ये है आदर्श प्राथमिक विद्यालय श्रीनाथपुर ये आजपुर देवसरा थाना अंतर्गत आता है। हम प्रधान जी के पास चल रहे हैं। प्रधान जी इतने स्वाभिमानी और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। प्रधान जी स्वयं विद्यालय में इस समय मौजूद हैं कि जो आएगा यहाँ हम रोकेंगे मूलभूत सुविधाओं का उनको सारी सुविधा हम उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन लोग आए थे यहाँ से 15 से 20 लोग जो आए थे प्रधान जी ने रोका और जबरदस्ती अपने अपने घर चले गए। शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। जनप्रतिनिधि हैं गाँव के बड़े सम्मानित प्रधान हैं और बड़े स्वच्छता हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम चल रहे हैं प्रधान जी के पास कुछ खास बातचीत करते हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि कल हमारे यहाँ हमको जो ब्लॉक से सूचना आई थी कि गांव में जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं उनको प्राथमिक विद्यालय में रोका जाए तो हमने अपनी तरफ से तुरंत फोन करके हेडमास्टर साहब को और जो जिसके पास चाबी थी चाबी मंगाया और दरवाज़ा खुलवा दिया कि लोग आएँ तो यहाँ रहें और फेसबुक पर मैंने ये लिख दिया और सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर दिया अपने ब्लॉक में और अपने एरियो पंचायत को अपने सेक्रेटरी को सबको बता दिया लेखपाल जी को भी बताया कि हमारे यहाँ इतने लोग आ रहे हैं मैंने इनकी व्यवस्था यहाँ कर दी है। तो कुछ लोग जो उज्जैन से चल करके आए थे जलपा नीमगिरी के रहने वाले ठाकुर जात के थे वो आए तो यहाँ पर डायरेक्ट मेरे कहने पर यहाँ डायरेक्ट आए
लेकिन उन लोगों का कहना था कि मैंने अपना मेडिकल चेकअप कराया है, हम लोगों को पीड़ित नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारी स्क्रीनिंग करवा दीजिए। फिर कुछ देर के बाद कुछ लोग और आए यहाँ पर, जिनको देख करके वो लोग घबरा गए कि ये लोग भी आ गए, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि उन लोगों को खांसी आ रही थी। तो डर के कारण वो लोग बोले कि मैं अब यहाँ नहीं रुक पाऊँगा, मैं जा रहा हूँ। ज़बरदस्ती किए और वो लोग सुबह चले गए, मेरे कहने के बावजूद नहीं रुके। मैं बार बार ये कह रहा हूँ शासन से कि अगर हम लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करा दी जाए। काफ़ी लोग मेरी ग्राम सभा में काफ़ी लोग आए हैं जो कल की डेट में आए हैं, जिनको घर वाले अपने घर के अंदर छुपा ले रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। अब बताने पर अगर यदि कोई पड़ोसी सूचना दे रहा है तो मारपीट पर आमादा हैं लोग। कई बार सूचना देने के बावजूद भी कोई आता नहीं। कल हमारे ब्लॉक से एडीओ पंचायत साहब अपनी टीम लेके आए थे, इन लोगों के का नाम उन लिख करके गए थे, लेकिन उसके बाद हमने जब फ़ोन किया कि लिख करके दिया, ब्लॉक में मैसेज दिया कि आप लोग व्हाट्सएप के जरिए जो मैं भेज रहा हूँ कि हम लोगों को एक थर्मल स्क्रीनिंग की जो मशीन आती है उसकी व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और लोग रुकने के लिए नहीं तैयार हैं। प्राथमिक विद्यालय पर लोग रुकने के लिए नहीं तैयार हैं, मेरे प्रयास करने के बावजूद भी। मैंने अपनी तरफ से इनको साबुन का व्यवस्था करके मच्छर ना काटे इसके लिए, इनको उससे बचने के लिए कॉइल की व्यवस्था की थी, और जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने इनको जो जिससे कहते हैं कि खांसी से निजात मिलती है, कढ़ा बनवा करके दिया पीने के लिए कि लोग सुरक्षित रहें, बताया। लेकिन उसके बावजूद कोई रुकने के लिए नहीं, उनके घर वाले भी यहाँ पर रुकने के लिए नहीं तैयार हैं। तो कई बार कहने के बावजूद कह रहे हैं कि मेरे घर वालों को नहीं है ऐसा, ये लोग ठीक हैं, इसलिए हम घर लेके जा रहे हैं, और अपने घर लेके चले गए, मेरे रोकने के बावजूद रुके नहीं गए। प्रधान जी, जो बाद में आए थे उसमें जिससे जिसको खांसी आ रही थी, आपको देखने में कैसे लगा? उसी के डर से शायद कुछ लोग चले गए या जी गए? जी जी, सिर्फ उसी के डर से, उन्हीं लोगों के डर से। उनका ये कहना था कि यहाँ पर नल की व्यवस्था, मैं दिखाता हूँ आपको, चल के देख लीजिए, नल की व्यवस्था है, इसी नल पर वो लोग भी पानी पी रहे थे। उनको देखने के बाद वो लोग घबरा गए कि हम लोग तो अभी हम लोग अपनी स्क्रीनिंग करा के आए हैं, हमको तो नहीं है, लेकिन अब हो जाएगा, क्योंकि वो लोग दिल्ली से पैदल चल के बाय रूट कई जगह साधन बदल करके आए थे, और उनको एकाध दो बार वो लोग देखे कि इनको खांसी आ रही थी, तो डर के नाते वो लोग भाग गए। चिकित्सा विभाग को आप फोन किए? चिकित्सा विभाग का हमारे पास नंबर नहीं है, हमने अपने ब्लॉक में सूचना दे दिया था कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो उनको सूचना दे दी जाए। अभी लोग मेरे पास फ़ोन किए थे, गांव के कुछ संभ्रांत व्यक्ति जब बाहर से आए थे कुछ लोग, तो उन लोगों ने फ़ोन किया कि बताया कि हमारे गांव में बगल में आए हैं कुछ लोग, और मैं सूचना दे रहा हूँ, कई विभागों में फ़ोन किया लेकिन फ़ोन उनका उठा नहीं, और इसीलिए वो लोग परेशान हैं। गाँव वाले मुझसे कई बार फ़ोन कर रहे हैं कि प्रधान जी ये लोग आए हैं। हमने कहा कि भाई उनकी स्कूल में व्यवस्था कर दी गई है, स्कूल खुला है, अगर चाबी नहीं मिल रही है तो जिनके पास चाबी रखी है मैं कह दे रहा हूँ, आप तुरंत आइए, बताइए, मुझको सूचना दीजिए, तो स्कूल खुल जाएगा, आप लोग उसी में रहिए, बाकी अगर और कोई समस्या आती है तो हमसे आप बताइए। और हमारे तरफ से जो ब्लॉक द्वारा सूचना है कि जो लोग आएंगे उनकी व्यवस्था खुद उनके घर वाले, वहाँ पर जैसे उनको खाना के लिए व्यवस्था देनी है तो एक बार बिस्तर दे देंगे, उनको और व्यवस्था दे देंगे, बाकी जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ अपनी तरफ से। अभी तक हम लोगों को ऐसी कोई मदद नहीं दी गई है कि प्रधान के पास कुछ रखा है, इनके पास अतिरिक्त पैसा दिया गया है कि इनको अपने लिए रख करके कुछ काम करें अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक हमने जो भी व्यवस्था की है गाँव में, लोगों को साबुन बंटवाया गया है, सैनिटाइजर की व्यवस्था हम लोगों से नहीं हो पाई, अगर सामान मिलता तो हम घर में बनवा करके बंटवा सकते थे या गांव में छिड़काव करा देते, अभी तक कोई व्यवस्था ऐसी नहीं दी गई। जितना भी किया गया हम लोग एकदम तत्पर हैं सरकार के द्वारा, अब हम लोग भी तो डर रहे हैं भाई, हम लोगों की भी कोई व्यवस्था नहीं, मास्क की भी व्यवस्था नहीं अपने तरफ से खरीद करके, और हैंड ग्लव्स की भी व्यवस्था नहीं की गई। अभी बता रहे हैं कि परसों से, मतलब 1 तारीख से लोगों को राशन वितरण किया जाएगा, अब सबको राशन वितरण में फिंगर लगाकर ही वितरण किया जाएगा,
राशन वितरण मैं खुद बैठ करके गांव में करवाता हूं स्वतः लग करके, जिससे कोई धांधली ना हो, सब गरीब आदमी पाए राशन। लेकिन उसके बावजूद अगर हम फिंगर लगवाएंगे तो हमको भी तो खतरा है, अगर कोई कोटेदार भी लगवाएगा तो उसको भी खतरा होगा कि फिंगर लगाएगा, दूर से लगाएगा, तब भी तो पैसा जिसका किसका लेना है किसका नहीं, या तो पूरी छूट दे दी जाए, किसी का पैसा नहीं लेना है, हम लोग पैसा ना लें। लेकिन पैसा तो पहले ही जमा करा लिया गया है, अब दूसरी बार जब आएगा तो या तो सूचना दे दी जाए हमको, या पूरी लिस्ट निकाल के दिया जाए कि इनको मौखिक वितरण करा दिया जाए राशन, या कोई पैकेट में बनवा करके दे दिया जाए कि जिससे हम लोग गेट के बाहर व्यवस्था करके उनको राशन दे दें, खड़े होकर सोशल डिस्टेंस बनाते हुए सबको वितरण कर दिया जाए, तब तो डर नहीं रहेगा। लेकिन यदि अगर वो आकर के हमारे पास फिंगर लगा रहे हैं, दिल्ली बम्बई से लोग गांव में आए हुए हैं, लोग घरों में छुपा के रखे हैं, तो हो सकता है भाई उन लोगों को भी पॉजिटिव हो जाए, इसीलिए हम लोग भी डर रहे हैं। थोड़ा शासन से यही है कि अपना व्यवस्था जैसे करना हो जिससे हम लोग भी सुनिश्चित सुरक्षित रहें और गाँव वाले भी सुरक्षित रहें, यही आपसे कामना करते हैं, शासन से यही कामना है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा अफिलिएटेड सीबीएसई बोर्ड एडमिशन ओपन फॉर क्लास एलकेजी टू टेंथ विलेज एंड पोस्ट पट्टा तहसील भोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां 5 ब्राह्मणों को भोजन कराकर पूर्ण हुआ 13 संस्कार। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के जनसा थाना क्षेत्र के सिहरवा गांव में विगत दिनों एक 90 वर्षीय बूढ़े व्यक्ति का देहांत हो गया था, जिसका 13वीं आज था। लेकिन कोरोना को देखते हुए उस व्यक्ति के घर वालों ने 13वीं ना करने का निर्णय लिया और परंपरा अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराकर 13वीं का कार्य संपन्न कर दिया। देखिए सिहरवा से श्याम सुंदर वर्मा की ये रिपोर्ट। अब और तो मान लो तुम अपन घर में पूरा परिवार करते हो। नहीं हो गल ए बड़ा टटपटी खिलाओ, मंगू टटपटी लेओ, टटपटी लेके फिर खिलाओ। हाँ सर, अपना नाम बताइए। मैं राजकुमार वर्मा। सर, आपने अपने दादाजी के 13वीं करने के बारे में क्या निर्णय लिया है? इस समय देश में कोरोना वायरस से फैल रही इस महामारी से, जो कि हमारे देश विदेश में न जाने कितने जानों को ले ली है, शासन प्रशासन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, राज्य सरकार व अन्य अधिकारियों के दिशा निर्देश से वो अपनी सुरक्षा व अपने परिवार, अपने मित्र गण व अन्य लोगों की सुरक्षा के हिसाब से हमने अपने दादाजी स्वर्गीय श्री पांचूराम पटेल, ग्राम सिहरवा, पोस्ट सरौनी, जिला वाराणसी के 13वीं संस्कार को न करने का निर्णय लिया है। इसमें हम उनकी आत्मा की शांति के लिए केवल ब्राह्मण भोज में 5 ब्राह्मणों को भोजन करा के उनकी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। जी, जैसा कि भारत सरकार ने 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में हमारा यह कहना है कि जैसा कि हम लोग मीडिया व अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देश से यह देख पा रहे हैं कि इस महामारी को रोकने का न कोई वैक्सीन, न कोई इलाज, न कोई ऐसी दवाई बनाई गई है। इसका इलाज केवल और केवल यह है कि हम सभी एक साथ अपने परिवार व अपनी सुरक्षा, अपने घर में रह के, भीड़ भाड़ को न जुटा के, लोगों को जागरूक करके, साफ सफाई से रह के ही इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। इसमें लॉकडाउन ही सबसे बढ़िया रास्ता है। जी, धन्यवाद। अगली खबर पंजाब के फाजिल्का जिले से है, जहां उदम इमरजेंसी ब्लड डोनेट वेलफेयर सोसाइटी का पहल देखने को मिला है। पंजाब के फाजिल्का जिले के गांव सजराना में उदम इमरजेंसी ब्लड डोनेट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन होने से
बेसहारा हुए गरीब लोग जिनका रोज का काम बंद होने से घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है, उन सभी के घर घर जाकर जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है। लोगों को घर में रहने को कहा गया जिससे लोग इस महामारी से बच सकें। देखें फाजिलका से विजय कुमार की ये रिपोर्ट। तो पता ही है सारे हिंदुस्तान कोरोना महामारी चल रही है, उनके संबंध में जो कि आज उद्यम एनजीओ संयोग नाल और पिंड के संयोग नाल जिदा कि सारे हिंदुस्तान कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रही है, उनके जिदा कि पंजाब सरकार और हिंदू नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री अपने कह चुके हैं कि घर घर रहो, घर घर इस पिंड काफ़ी हालात देखी दे, इन्ना गरीब परिवार इन्हों को अपना घर बार भी है नहीं, अपनी थां भी है नहीं गी, जिथे बेचारे बैठे आ एक गोरमेंट थां पंजाब घर है उन्हें बेचारे बैठ रहे, इन्हों कोई इन्हों का हसबेंड भी है नहीं गा, इन्हों कोई कमाने वाला है ही नहीं। जिदा सानू पता लग गया सानू दस्या कि इदा दी है, असी सारे ने भरावां रल के उदो मैं जो पिंड के संयोग के नाल असी राशन अज आदि वालों दे रहे हैं, सानू गोरमेंट वगैरह फंड नहीं आता, तो मैं कहने भी वो तो फैलाओ कि किसी गरीबों की हो सके, जिते साड़ी लोड़ है असं बिल्कुल तुहाडे नाल खड़ा गे, जिन्ना हो सके करा गे वात। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਮੰਜੀ 'ਤੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨੇ। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक, जल्द मिलेंगे कुछ खास खबरों संग, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। यदि चैनल को आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।